नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है कि एक धन राशि 15% वार्षिक ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा है कि कोई धन राशि है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%। ठीक है, वार्षिक ब्याज पर कितने समय में, तो टी उसने हमें दिया नहीं है। उसने कहा कि 4 गुनी हो जाएगी, तो प्रिंसिपल पी होगा, तो ए कितना हो जाएगा, 4p। जब ए 4p है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3p, क्योंकि 4p में से 1p हम माइनस कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या बचेगा, 3p। अब हमें निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है SI गुणा 100 भागे P इंटू R, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। अब यहां पर SI की वैल्यू कितनी है, SI की वैल्यू है 3p गुणा 100 भागे P, और R की वैल्यू कितनी है, तो R की वैल्यू है 15। सॉल्व कर देंगे, P से P कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 से काटेंगे 20 5 100, तो टाइम बराबर क्या निकल के आएगा, टाइम बराबर निकल के आएगा 20 वर्ष। ठीक है, तो वह धनराशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब इसकी एक शॉर्ट टेक्स्ट से सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, टाइम, तो टाइम बराबर लिखेंगे गुना माइनस 1 भागे रेट गुणा 100। ठीक है, अगर रेट निकालना होता तो रेट यहां, टाइम यहां, अब टाइम निकालना है तो टाइम यहां और रेट यहां, तो टी बराबर कितने गुना हो रही थी, 4 गुना, तो गुना में से 1 करेंगे तो 3 बचेगा, रेट क्या दिया गया है, 15 गुणे 100, काट देंगे 3 5 15 और 20 5 100, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर लें और इस प्रश्न को लगा लें। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।